हज़रत महबूबुर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के दूसरे दिन चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। हजारों मुरीदों ने मांगी मन्नतें, देर रात तक चली महफिल समा। देश भर से आए कव्वालों ने पेश किए अपने कलाम। संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में हजरत सैयद महबूबुर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह के दो दिनों से चल रहे उर्स मुबारक में दूसरे दिन सुबह कुरान खानी हुई। दोपहर में गुस्ल की रस्म अदा हुई। शाम को देश भर से आए मुरीदों ने चादरें पेश की, अपनी मन्नतें मांगी। कुछ मुरीद ढोल नगाड़ों के साथ में चादर पेश करने लवाजमे के साथ वहां पहुंचे। हैदराबाद से आए लोगों ने भी चादरें चढ़ाई और अपनी मन्नतें मांगी। इस मौके पर राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी भी वहां पहुंचे और चादर चढ़ाई, दुआ मांगी। दरगाह सजादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने अमीन कागजी की दस्तार बंदी की। लंगर के बाद में देर रात तक महफिल समा चली। देश भर से आए कव्वालों ने बेहतरीन कलाम पेश किए। डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि दूसरे दिन सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हुए, कुरान खानी हुई, गुस्ल दिया गया। शाम को हजारों मुरीदों ने अपनी चादरें चढ़ाई। उन्होंने कहा कि उर्स के मौके पर देश में अमन अमान कायम है, रहमत की बारिश हो और आपसी भाईचारा कायम रहे। फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म बंदों की दुआ की गई। अमीन कागजी ने कहा कि उर्स हर साल धूमधाम से मनाए जाते हैं और हर साल हाजिर देते हैं। हैदराबाद से आए मुरीद कारी अशरफ ने कहा कि हर साल बड़ी तादाद में मुरीद मुल्क भर से यहां शिरकत करने पहुंचते हैं। दूसरी आ चुकी है आज, आज भी तकरीबन 433 हाजी हज के मुकद्दस सफर से आए हैं और जैसा कि आज हम इस मुकद्दस दरबार में खड़े हुए हैं, यहाँ से जयपुर के हज़ारों लाखों लोग फैज़ याफ्ता होते हैं। आज उर्स मुबारक है, 8वां उर्स मुबारक। हम सब लोग यहाँ अकीदत पर जो है वो तशरीफ लाए हैं और इस उर्स मुबारक पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जयपुर शहर में अमन अमान, चैन, सुकून, शांति, भाईचारा और कौमी एकता बनी रहे और इसी तरह जयपुर खूब अच्छे सब लोग तरक्की करें और यहाँ का अमन चैन सुकून। सब यहाँ आप तशरीफ लाए हैदराबाद से, क्या कहना चाहेंगे? आज उर्स का दूसरा दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत पुरनूर फिजा है, पुरनूर मंजर है। हम शुरू से जब बराबर यहाँ हर साल शरीक होते हैं हैदराबाद से, हैदराबाद तेलंगाना से, सरकार का करम है जो हमको बुला लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, खुश नसीब है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये कि औली अल्लाह के दरबार में जो है हाजिरी देते रहें, उनसे फैज पाते रहें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका पूरा इस्मे ग्रामी हाजी गुलाम अहमद अशरफ नियाजी।